अनी अपने रूम में बिल्कुल परेशान है। ये सब आखिर कैसे हुआ और क्यों? कुछ समझ नहीं आती उसे, कैसे सुलझाएगा वो सारा मसला। पर तभी उसके दरवाजे पर होती है एक नौक और देखता है झनक को वहाँ, और अब और भी बेचैन हो जाता है और पूछता है कि अब वो क्यों आई है वहाँ। और अब झनक के पास एक ही सवाल है अर्शी को लेकर। जिस कंडीशन में गई थी ना, उसी हालत में वापस नहीं आ सकती, समझती हो ना? डॉक्टर ने क्या कहा है? लेकिन झनक, तुम काफी बार मेरे कमरे में आ चुकी हो और कई बार मैंने खुद बुलाया आने के लिए, क्योंकि मैं चाहता था, लेकिन अब मैं खुद मना कर रहा हूं तुम्हें। सबको ये लगता है कि तुमने जान के अर्शी को हट किया है, और अगर किसी ने भी तुम्हें यहाँ पे देख लिया ना, तो बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो जाएगा जो मैं नहीं चाहता। क्यों आपको भी लगता है कि मैंने जान पूछी वो दिया धकेला था उनकी ओर? बोलिए ना। मुझे क्या लगता है क्या नहीं लगता उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है सर जी। देखो, सृष्टि आंटी ने तुम्हें देखा था, मैंने नहीं। और झनक अन्नी की ये बात सुनकर अब चौंकती है कि क्या अन्नी भी उसे गुनेगार मानता है। पर अन्नी बताता है कि वो ये बात को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। पर लेकिन ये बात भी है कि अगर उन्होंने तुम्हें नहीं देखा होता तो वो पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करती। और एक बात है कि शायद सृष्टि आंटी ने इस पूरी सिचुएशन को गलत समझा हो। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। और अब झनक अनी को सिर्फ देखती रहती है उनकी बेबसी को। पर क्या अनी को उस पर भरोसा नहीं कि वो ऐसा नहीं कर सकती? इसका मतलब आपके मन में भी शक है। झनक, जो होना था ना वो हो चुका है। मुश्किल है ये मानना कि तुमने अर्शी को हर्ट किया है, लेकिन शक है। और अब झनक पूरी तरह टूट चुकी है अनी की इन बातों से और पूछती है कि कंफ्यूज्ड है ना वो, और देखती है अनी की ओर कि वो क्या बोलेगा। झनक, शक हर किसी को है यहाँ पे। ठीक है, वैसे भी शादी के बाद तुम्हें यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन शादी अभी तक हुई नहीं है। सब कुछ तो हो गया, थोड़ी सी रस्में बाकी। कहते हैं कि अगर सप्तपदी पूरी ना हो तो शादी अधूरी रह जाती है। हाँ, तो अभी नहीं हुआ तो जब होना होगा हो जाएगा। ऑफ कोर्स हो जाएगा, लेकिन अभी उस बारे में नहीं सोच सकते ना। लेकिन मैं यहाँ से जाने के बारे में सोच रही हूँ। और एक बार फिर झनक के मुंह से जाने की बात सुनता है अनी, और अब उसे किसी भी हाल में क्या झनक को रोकना है? वो तुम्हें जाने नहीं देंगे, इसलिए यहीं पे रहो और सबका सामना करो। अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया ना, तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया, सर जी आपको भी लगता है कि मैंने सच में ये सब जानबूझ के किया? झनक, मैंने कहा ना मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन तुम तो श्योर हो ना कि यहाँ मैं अपने बारे में बात नहीं करने आई थी? और झनक की ये दर्द किसे पता है जब अनी को ही नहीं समझ आती। और अब झनक को लगता है कि वो बिल्कुल भी अकेली है और अब सिर्फ अर्शी के बारे में पूछती है अनी से। अर्शी दीदी के ट्रीटमेंट के बारे में क्या कहा है डॉक्टर ने? मेरा मतलब है कि उनके पांव कितने डैमेज हुए। देखिए, अगर खून की जरूरत है तो मैं मदद करना चाहती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। और अनी की ये जवाब सुनकर झनक एकदम कमजोर महसूस करती है कि आज अनी को भी जरूरत नहीं उसकी। जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मेरी जरूरत नहीं है। सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, वहाँ उसके पेरेंट्स हैं, वो संभाल लेंगे, वो डिसाइड करेंगे आगे क्या होगा। उनके हस्बैंड भी तो है ना। बार बार एक ही बात क्यों बोल रही हो तुम? और अनी के तरफ से बार बार इस तरह दुत्कार मिलता है झनक को। ब्लड डोनेट करने के लिए और भी बहुत लोग हैं, लोगों की कमी नहीं है। जानती हूँ इस बात को, लेकिन मैं मदद करना चाहती थी, तो जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया आपसे। तुमने बोल दिया ना, मैंने सुन लिया, बात खत्म। और अब झनक के पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, पर अब भी चिंता जताती है अर्शी के लिए कि उसकी हालत बहुत नाजुक है और वो पूछे भी तो किसे, कोई नहीं बताता उसे कोई भी बात। और बोलती है अनी को कि कम से कम वो तो बताए अर्शी की हालत कैसी है। हाँ झनक, अब तो सीरियस है, बहुत सीरियस है, तुमने खुद देखा है। वो अर्शी एक डांसर है, अगर उसके पैर डैमेज हो गए ना तो वो जिंदगी भर के लिए डांस नहीं कर पाएगी। ये सुनकर झनक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या बोल रहा है अन्नी? और आगे उन्हें होश आया। हाँ होश आया, लेकिन शौक में थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया।
मुंह फेर दिया उसने। और अब झनक को बहुत ही बुरा लगता है ये सुनकर कि इसी वजह से अनी ज्यादा परेशान है। उस पे क्या बीत रही होगी, पत्नी बनने जा रही थी अर्शी उसकी। आई गेस नहीं, आई एम श्योर उसकी सर्जरी होगी। डॉक्टर ने कहा कि 15 दिन से पहले वो डिस्चार्ज हो ही नहीं सकती। और ये सुनकर तो और भी विचलित होती है झनक और अपने आने का कारण बताती है अनी को उसके रूम पर। सर जी, मैं इतनी रात को आपके कमरे में सिर्फ इसी वजह से आई हूँ क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि आशी दीदी की हालत कैसी है, वो कैसी है। जान लिया ना? हाँ, बस एक बात और जान लो, अगर पुलिस इन्वॉल्व हो गई, जो की होगी, तो सृष्टि आंटी को कोई नहीं रोक पाएगा। रोकने का सवाल भी नहीं उठता है। इस वक्त इस घड़ी सृष्टि मासी को जो सही लगे उन्हें वो करना चाहिए, और अगर पुलिस मुझे क्रिमिनल साबित कर देती है तो जो सजा मुझे मिलेगी वो सजा मुझे मंजूर है। पर अब झनक की ये बातें सुन अनी उसे देखता है कि क्या झनक कुछ वाके में करी होगी अर्शी को नुकसान पहुंचाने के लिए। अगर पुलिस और कोर्ट सजा देगी तो मंजूर नहीं करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। और अब झनक पूरी तरह हार चुकी है। अनी जो उस पर विश्वास नहीं करता, आज उसे एहसास हुआ है कि वो कितनी अकेली है, कोई नहीं उसका। सच्ची आज अगर मेरा कोई अपना मेरे साथ होता, हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता, तो ये दिन नहीं आता, वो दुनिया से लड़ जाता। सबसे कहता कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये सब झूठ है। लेकिन अफसोस, मेरे इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। तो अगर आज पुलिस मुझे क्रिमिनल साबित कर देती है तो मैं हमेशा एक क्रिमिनल ही कहलाऊंगी। और अनी देखता तो है झनक की बेबसी, पर वो कुछ नहीं कर सकता इस वक्त। लेकिन जो मेरे साथ होगा सुख होगा, और जो अर्शी दीदी के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो गलत था। आप शायद आज मुझ पे यकीन ना करें, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। पर अब अनी के पास कुछ नहीं बोलने के लिए। जहां झनक उसे उसकी प्लान्स और सारी बातें याद तो दिलाती है जो उसने अर्शी के साथ बनाए थे, पर अब उसे डर लगता है कि कहीं अर्शी की जान जा सकती है ये सुनकर। और अनी से कहती है कि उसे बहुत बुरा लग रहा है, पर अब अनी झनक मुझे लगता है तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए प्लीज। और अब अनी की इस रूखेपन को देख झनक अब एकदम टूट चुकी है। एक अनी ही था और आज वो भी अपना मुंह फेर लिया है झनक की ओर से, और झनक को नफरत के सिवाय कुछ नहीं मिलता अब। पर वो अर्शी के लिए अब भी चिंतित है। लेकिन सर जी, मैं अपने भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो जल्द से जल्द बस ठीक हो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिएगा। हॉस्पिटल से मैं होकर आया हूँ, तुम नहीं, तो मुझे दिलासा मत दो। डॉक्टर से मैंने बात की है, तुमने नहीं। अर्शी की जो कंडीशन है ना, इतनी आसानी से वो रिकवर नहीं होगी। मुझे माफ कर दीजिए। पर आखिर झनक क्यों माफी मांग रही है अनी से? पर अब अनी अपना आपा खो बैठता है और झनक को दरवाजा दिखाता है, और ये झनक के लिए सबसे बड़ा पनिशमेंट है उसके लिए। जो अनी उससे मिलने के लिए तड़पता था एक समय, आज उसे रूम से बाहर जाने के लिए बोल रहा है। आज उस पर भरोसा नहीं, शक कर रहा है उस गुनाह के लिए जो उसने किया ही नहीं। पर जाता देखता है झनक को बेबस, लाचार, रोते हुए अनी उससे दूर। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम किसी को नुकसान पहुंचा सकती हो। सृष्टि आंटी ने हमेशा तुम्हें फंसाने की कोशिश की। पर ये उसने झनक से क्यों नहीं कहा? झनक को आखिर उसने अपनी राह पर चलने के लिए अकेले छोड़ दिया। उसका भी तो दिल तोड़ा है उसने, और अब अनी के बारे में सोचती है झनक। लोग क्या सोचते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपकी सोच से पड़ता है। शायद ये बस एक एक्सीडेंट था और वो इसे कुछ और बनाना चाहती है, लेकिन अपनी ही बेटी के केस में वो पुलिस को इन्वॉल्व क्यों करेगी? मुझ पर अपनी बड़ी बहन को जान से मारने की कोशिश करने का इल्जाम लग रहा है। मैं चाहती हूँ पुलिस आए और इन्वेस्टिगेट करे। क्या ऐसा हो सकता है कि झनक तुमने ही
क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि ये शादी हो। और अगर मुझे तब भी सजा मिलती है तो मैं उसे अपना लूंगी, उफ तक नहीं करूंगी। और इस तरह दोनों के मन में एक दूसरे के लिए ख्याल आते तो हैं, पर आज कुछ अलग है। नहीं, ऐसा सोच कर भी बुरा लग रहा है मुझे। भगवान से प्रार्थना करूंगा मैं कि तुम बेगुनाह साबित हो। और ये है अनी की मन की बात, जिससे झनक परे है। पर क्या वक्त आने पर अब अनी बीच बचाव में आएगा झनक के? जिंदगी भर के लिए जेल जाना पड़े तब भी जाऊंगी। पर अब अनी को नहीं पता कि झनक पूरी तरह टूट चुकी है अनी का साथ न पाके। आखिर किसके लिए वो इतना सोचती थी, वो तो उसका है ही नहीं आज। और अनी भी अब झनक को लेकर परेशान तो है, उसे बचाए भी तो कैसे, जहां अब एक दूसरे से अलविदा लेते हैं रात के लिए। आगे देखते रहिए झनक में क्या होता है, यही कंप्लीट बॉलीवुड पर। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे चैनल को।